गुटिये एवं क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल में वरिष्ठ सदस्यों को शामिल किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त 4 निर्दलियों में से 2 को मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने पर सहमति बन गई है। एंटोनी और नाथ और सिंधिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे आज और उनसे चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का अनुमोदन करवा लिया जाएगा। प्रदेश के मंत्रिमंडल को जल्द ही शपथ दिलवाए जाने की संभावना है, जिसमें 37 विधायकों के नाम की चर्चा हो रही है। अब तक मालवा निवास से सबसे ज्यादा विधायक हैं, लगभग 11 बताए जा रहे हैं, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, विजय लक्ष्मी साधो, बाला बच्चन, तुलसी सिलावट, उमंग सिंघार, जीतू पटवारी, सचिन यादव, जयवर्धन सिंह और दिलीप सिंह गुर्जर या फिर रामलाल मालवीय। विंध्य की बात कर ली जाए तो 2 विधायक बिसाहूलाल कमलेश्वर पटेल, मध्य से 5 लोग हैं आरिफ वकील, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पीसी शर्मा, लक्ष्मण सिंह या फिर जयवर्धन सिंह। ग्वालियर से 6 हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, एंदल सिंह कंसाना, लाखन सिंह, प्रद्युम्न सिंह और इमरती देवी। और बुंदेलखंड से लगभग 4 विधायक है, वीरेंद्र सिंह राठौर, गोविंद सिंह राजपूत, हर्ष यादव और विक्रम सिंह, महाकौशल से 7 है, एमपी प्रजापति, तरुण भानौत, दीपक सक्सेना, लखन धंधोरिया, ओम प्रकाश सिंह मरकाम, सुखदेव फांसी, हिना कावरे। निर्दलीय की बात की जाए तो 2 विधायक है, 4 बार के विधायक प्रदीप जायसवाल, सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर 4 लोगों का नाम अब तक सुर्खियों में बना हुआ है। डॉक्टर गोविंद सिंह सबसे आगे दिख रहे हैं इसमें, केपी सिंह, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु, एनपी प्रजापति ने किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये वो 4 नाम थे जिसमें से विधानसभा अध्यक्ष के लिए सबसे आगे नाम गोविंद सिंह का बताया जा रहा है। नेताओं के बीच चर्चा में ये बात सामने आई है कि मंत्रिमंडल का आकार छोटा हो, यानी कि 15 से 20 विधायकों का ही होना चाहिए, जिसमें 15 से 20 विधायक शामिल होंगे। 4 निर्दलीय विधायकों में से कहीं और एडजस्ट किया जाएगा कुछ लोगों को, ऐसा तक माना जा रहा है।